हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर हैदराबाद से। आज हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग है, वोटिंग शुरू हो गई है। ग्रेटर कैलाश ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 4 दिसंबर को नतीजे आएंगे। नतीजे, बीजेपी ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इस बार हैदराबाद के नगर निगम चुनाव के जरिए दक्षिण और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में रास्ता साफ करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। नगर निगम के चुनाव में 151 सीटें हैं। अभी फिलहाल इनमें से 99 सीटों पर टीआरएस काबिज है, जबकि 44 सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का कब्जा है। 2 सीटों पर बीजेपी काबिज है। इस बार बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है। बीजेपी का कहना है कि इस बार वो हैदराबाद में निजाम और नवाब की संस्कृति को खत्म करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो ग्रेटर हैदराबाद के निगम चुनाव जो राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गए थे, देश के गृहमंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता रोड शो कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। रोहिंग्या से लेकर पाकिस्तान तक हर तरह का मुद्दा इस चुनाव में उठा, जिन्ना तक विरोधियों ने बता दिया ओवैसी को। लेकिन इन सबके बीच आज एक आम हैदराबादी तय करेगा कि यह शहर आखिर किसका होगा। निगम चुनाव में क्या एक बार फिर से टीआरएस की टूटी बोलती है, दूसरे नंबर पर क्या एआईएमआईएम रहता है, ये बड़ा सवाल होगा जिसका जवाब आज मतदाता दे देंगे।